ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से 14 अगस्त तक रोजाना रैलियां निकाली जाएंगी जबकि सेमिनार्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से, एजाज मजीद बताएगा। जी, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में दूसरे रोज भी 9 नंबर चुंगी से एक रैली निकाली जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पुलिस लाइन पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस रैली का मकसद शहरियों में अवेयरनेस पैदा करना है कि वो ट्रैफिक असूलों की पाबंदी करें, सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट पहनकर सफ़र करें ताकि ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान चौधरी मोहम्मद शरीफ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये जश्न आज़ादी है, आप सारी कौम को पता है, सारी दुनिया को इलम है। हम बताना चाहते हैं कि हम भी, ट्रैफिक पुलिस भी आवाम के और मुल्क की इस जश्न आज़ादी में आवाम के साथ साथ हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि आवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया जाए। हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ ब्रोशर तकसीम कर रहे हैं, पंफलेट तकसीम कर रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं और सेमिनार कर रहे हैं ताकि आवाम को ट्रैफिक शऊर से आगाही दिलाएं। जी, आपने सुना चीफ ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी मोहम्मद शरीफ का कहना था कि वो आवाम में अवेयरनेस के लिए या